चार राज्यों के चुनाव के परिणाम ने अब कई तरह के सवाल सामने लाकर रख दिए हैं। बता दें कि चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद से अब कई तरह की बातें उठने लगी है। एक और जहां कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की, तो वहीं भाजपा अब ये बता रही है कि आगे के चुनाव की रणनीति कुछ ऐसी ही होगी और आगे के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल कहे जाने वाला चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में जहां उसने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ सत्ता बरकरार रखी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके रख दिया। बता दें आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तीन हिंदी भाषी राज्यों में जीत ने भाजपा में एक नया उत्साह का संचार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह चुनाव किसी भारी झटके से कम नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में पटखानी देने के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में क्या इस चुनाव के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अब अलग रणनीति होगी। बता दें कि राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब क्षेत्रीय दलों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर तोलमोल करना आसान हो जाएगा। बिहार की बात करें तो यहां नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर दबाव की राजनीति बना सकती है। नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस का सारा फोकस विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी बात फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं कुछ दिन पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी ऐसा बयान दिया था कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कांग्रेस ने इन पांच राज्यों के चुनावों में अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को खासा नाराज किया है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जेडीयू कुछ सीटों की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी तरह से अब ये उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग में पलरा कहां पर जाकर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।